फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल #DMPStudyWithMe। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि लर्निंग सिस्टम को किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। सो आवर टॉपिक फॉर टुडेज़ वीडियो इज़ डिज़ाइनिंग द लर्निंग सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लर्निंग सिस्टम जब हम डिज़ाइन करते हैं तो लर्निंग सिस्टम है क्या, ये हमने प्रीवियस वीडियोस में देख लिया है कि लर्निंग सिस्टम क्या होता है। तो किस तरीके से हम लर्निंग सिस्टम को डिज़ाइन करेंगे, क्या हमारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिन पर हमारा लर्निंग सिस्टम डिपेंड करता है। तो लर्निंग सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है वो होता है उसकी परफॉर्मेंस। और परफॉर्मेंस किस तरीके से इम्प्रूव कर रहा है सिस्टम, हमारा ये मेन टारगेट होता है। तो जब हमें परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करनी है या फिर हमें लर्निंग सिस्टम को बेटर बनाना है तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको हेल्प करते हैं उसको बेटर बनाने में, ये डिस्कस करेंगे कि लर्निंग सिस्टम को किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। नाउ लेट्स सी कि जब लर्निंग सिस्टम डिज़ाइन करते हैं हमारे पास चार फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर हमारा लर्निंग सिस्टम डिपेंड करता है। तो पहला पॉइंट है चूजिंग द टाइप ऑफ ट्रेनिंग एक्सपीरियंस, जिसका मतलब क्या है कि ट्रेनिंग एक्सपीरियंस। ट्रेनिंग एक्सपीरियंस का मतलब है कि जो भी ट्रेनिंग डेटा हम प्रोवाइड कर रहे हैं हम अपने सिस्टम को, अपने लर्निंग सिस्टम को, या फिर आप कह सकते हैं कि अपने मॉडल को। तो सबसे पहले जब आप लर्निंग सिस्टम बनाएंगे तो जो इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो ये है कि कैसा ट्रेनिंग एक्सपीरियंस या फिर कैसे ट्रेनिंग एग्जांपल्स आप अपने सिस्टम को प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या वो नॉइस फ्री है, क्या वो एग्जैक्ट डेटा है, क्या वो सारी सिचुएशन को कवर कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं कि जब भी आप ट्रेनिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहे हो एनी हाउ आपका जो सिस्टम है वो उसी डेटा से लर्न करेगा। जब उसको सही डेटा मिलेगा तो वो उसको सही से लर्न करेगा, अगर उसे एक्यूरेट डेटा नहीं मिलेगा तो उसको सही से लर्न नहीं कर पाएगा। तो आपके सिस्टम का जो सक्सेस है और जो फेलियर है वो किस पे डिपेंड करेगा, आपके ट्रेनिंग एक्सपीरियंस पे डिपेंड करेगा। नाउ जब हम ट्रेनिंग एक्सपीरियंस चूज़ करते हैं तो कुछ बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि जो ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है वो आपको डायरेक्ट फीडबैक दे रहा है या इनडायरेक्ट फीडबैक दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है जब हम अपने ट्रेनिंग एक्सपीरियंस को क्या करते हैं, चूज़ करते हैं। डायरेक्ट फीडबैक का मतलब है, लेट्स से टेक एन एग्जांपल ऑफ चेकर्स गेम और यू कैन से दैट चेस, ठीक है। नाउ चेस में एक एग्जांपल है कि हर एक जो मूव्स है, हर एक मूव्स का बेस्ट मूव कौन सा है, ये आप डायरेक्टली प्रोवाइड कर रहे हैं अपने सिस्टम को। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, स्टार्टिंग से लेकर गेम के एंड तक क्या सीक्वेंस है मूव्स के, वो सारा सीक्वेंस आप अपने सिस्टम को प्रोवाइड कर रहे हो। तो मैंने आपको दो तरीके बताए, एक है डायरेक्ट और एक है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में आपको हर एक मूव का बेस्ट मूव पता होगा कि ये इस स्टेट का बेस्ट स्टेट, नेक्स्ट बेस्ट स्टेट कौन सा है। और इनडायरेक्ट में आपको स्टार्टिंग से लेकर गेम के एंड तक सारे सीक्वेंसेस पता होंगे कि दीज आर द सीक्वेंस। तो इनडायरेक्ट के केस में आप ये नहीं बता सकते कि किस पर्टिकुलर मूव की वजह से आपने अपना गेम जो है वो लूज़ कर दिया। सो बेसिकली जब हम लर्निंग सिस्टम डिज़ाइन करते हैं तो बेस्ट जो होता है, जो ईजी वो होता है, तरीका होता है, वो होता है डायरेक्ट फीडबैक का। नाउ जो सेकेंड फीचर है जब हम किसी भी ट्रेनिंग एक्सपीरियंस को सेलेक्ट करते हैं वो ये होता है कि जो ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है, जो हमारे ट्रेनिंग एग्जांपल्स हैं, वो आपके सुपरवाइज्ड फॉर्म में है या फिर अनसुपरवाइज्ड फॉर्म में है। तो सेकेंड तरीका ये कहता है कि क्या सुपरवाइज्ड ट्रेनिंग एग्जांपल्स हैं या अनसुपरवाइज्ड ट्रेनिंग एग्जांपल्स हैं। सुपरवाइज्ड का मतलब है कि वहाँ पर इनपुट के साथ आपको आउटपुट भी मिला हुआ है, और अनसुपरवाइज्ड का मतलब है कि जहाँ पर आपके पास सिर्फ क्या होगा, इनपुट होगा और आउटपुट आपको उसके बिहेवियर और उसके पैटर्न के थ्रू जो है वो निकालना पड़ेगा। नाउ जब हम ट्रेनिंग एक्सपीरियंस को सेलेक्ट करते हैं या चूज़ करते हैं तो थर्ड इम्पॉर्टेंट फीचर होता है कि जो ट्रेनिंग एक्सपीरियंस हैं, जो ट्रेनिंग एग्जांपल्स हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि जितने भी एग्जांपल्स हमने कवर अप किए हैं क्या वो सारे एग्जांपल्स हर एक सिचुएशन को कवर कर पाएंगे। तो इन केस अगर कोई नया इंस्टेंस आता है
तो उस नए इंस्टेंस के लिए क्या हमारे पास ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स हैं, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स का। जितने भी ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं, क्या वो ऑलमोस्ट सारी सिचुएशंस, सारी पॉसिबल सिचुएशंस को कवर अप करते हैं। तो ये तीन बातें हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी पड़ती हैं जब हम ट्रेनिंग एक्सपीरियंस को सेलेक्ट करते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि टारगेट फंक्शन किस तरीके से चूज़ करना है। टारगेट फंक्शन क्या होता है? टारगेट फंक्शन का मतलब ये है कि जो भी आपका आउटपुट है, लेट सपोज़ जो भी ट्रेनिंग एग्जाम्पल है, दैट ट्रेनिंग एग्जाम्पल इज़ इन द फॉर्म ऑफ एक्स कॉमा वाई। एक्स इज़ अ इनपुट एंड वाई इज़ द टारगेट आउटपुट। नाउ वी हैव टू जनरेट अ फंक्शन टू अचीव दैट आउटपुट। वो आउटपुट अचीव करने के लिए हमें एक फंक्शन प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब वो टारगेट फंक्शन किस तरीके का होना चाहिए? नाउ टारगेट फंक्शन हमें ये बताता है कि इनपुट प्रोवाइड करने पर वो फंक्शन आउटपुट क्या देगा। एंड वी नो दैट कि आउटपुट पे एनी हाउ हमारा जो परफॉर्मेंस है वो डिपेंड करता है। अगर आउटपुट करेक्ट आता है, एक्यूरेट आता है, परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करेगा, और आउटपुट अगर गलत आता है तो परफॉर्मेंस डिक्रीज़ करेगा। नाउ यू कैन सी ओवर हेयर कि आई एम टेकिंग द सेम एग्जाम्पल ऑफ चेकर्स गेम, चेस गेम, कि एक बोर्ड स्टेट है, एक स्टेट है, उस स्टेट के कई सारे मूव्स हो सकते हैं। नाउ अब हमें क्या करना है, उन नंबर ऑफ मूव्स में से वी हैव टू टेक आउट द बेस्ट मूव, जिससे कि हमारा आउटपुट जो है वो क्या आ सकता है, टू विन द गेम। हमारा मेन एम है कि हमें गेम को जीतना है। अब गेम को जीतने के लिए कौन सा बेस्ट मूव होगा वो हमें हर एक स्टेट के लिए फाइंड आउट करना है। तो हर एक स्टेट के लिए नंबर ऑफ लीगल मूव्स होंगे, एंड आउट ऑफ ऑल दोज लीगल मूव्स हमें एक बेस्ट मूव चाहिए, ठीक है। नाउ वी नीड अ फंक्शन जो उस बेस्ट मूव को सेलेक्ट करे। बोर्ड स्टेट से नंबर ऑफ लीगल मूव्स होंगे, अब कोई ऐसा फंक्शन चाहिए जो उन सारे लीगल मूव्स में से एक बेस्ट मूव को सेलेक्ट करे, ठीक है, उसे हम कहेंगे टारगेट फंक्शन। तो ये एक तरीके का टारगेट फंक्शन हुआ, जहाँ पर हम एक स्टेट पर हैं और एक स्टेट से हम नेक्स्ट स्टेट पर पहुँचते हैं। सो फ्रॉम वन स्टेट वी आर रीचिंग टू द नेक्स्ट स्टेट। सो दिस इज़ अ टाइप ऑफ टारगेट फंक्शन। सी द एग्जाम्पल ओवर हेयर। चूज मूव वेयर फ्रॉम बी इज़ अ बोर्ड स्टेट, ओके, एंड फ्रॉम दिस बोर्ड स्टेट वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट मूव और नेक्स्ट बेस्ट मूव, ओके। सो दिस इज़ अ टाइप ऑफ, यू कैन से दैट, टारगेट फंक्शन। नाउ एक अदर टाइप का टारगेट फंक्शन होता है जिसे हम इवैल्यूएशन फंक्शन कहते हैं। इवैल्यूएशन फंक्शन में क्या है कि अगर आप किसी एक स्टेट पर हैं और एक स्टेट से आपको दूसरी स्टेट पे जाना है, अगर जो दूसरी स्टेट पे हम जा रहे हैं वो हमारा बेस्ट मूव है, तो हम क्या करेंगे, उसे एक इंटीजर वैल्यू और यू कैन से दैट कि एक रियल नंबर असाइन कर देंगे, ओके। तो इवैल्यूएशन नंबर, इवैल्यूएशन फंक्शन क्या करता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन कर देता है हमारे बोर्ड स्टेट को। यहाँ पर हमारे पास एक टारगेट फंक्शन है वी। अब वी, इफ़ वी इज़ अ टारगेट फंक्शन और हमारे पास एक कोई बोर्ड स्टेट है विच इज़ द फाइनल स्टेट, जो हमारे गेम की फाइनल स्टेट है, और इस स्टेट पर आकर हम गेम को जीत जाते हैं। अगर इस स्टेट से हम गेम को जीत जाते हैं तो हम इस स्टेट को एक रियल वैल्यू असाइन करेंगे और वो एक हायर वैल्यू होगी, ठीक है, जो रिप्रेजेंट करेगी कि ये जो स्टेट है ये हमारी बेस्ट मूव है, ठीक है। लेट्स से अगर हम गेम जीत गए हैं, यू कैन सी हियर इन द स्लाइड कि अगर बी इज़ अ फाइनल बोर्ड स्टेट, अगर बी क्या है, एक फ़ाइनल बोर्ड स्टेट है जहां पर हम अपने गेम को जीत जाते हैं, तो इन दैट केस हमारा जो टारगेट फंक्शन होता है उसको हम 100 वैल्यू असाइन कर देते हैं। वी आर टेकिंग जस्ट एन एग्जांपल कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है, प्लस 100, और इन केस अगर हम लूज़ कर जाते हैं गेम को तो वी विल असाइन इट माइनस 100। गेम ड्रॉ हो जाता है तो इन दैट केस हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर फंक्शन को 0 असाइन कर देते हैं। सिमिलरली अगर वो पर्टिकुलर स्टेट जो है वो फाइनल स्टेट नहीं है, तो उसकी जो सक्सीडिंग स्टेट है, उस सक्सीडिंग स्टेट पे हम क्या करेंगे, पहुंच जाएंगे। अब वो सक्सीडिंग स्टेट क्या होगी, हमारी बेस्ट फाइनल स्टेट होगी।
सो इन दिस वे वी सेलेक्ट द टारगेट फंक्शन. नाउ अब लर्निंग सिस्टम डिज़ाइनिंग के लिए थर्ड हमारा पॉइंट होता है टू चूज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ टारगेट फंक्शन. अब ये जो टारगेट फंक्शन है इसका रिप्रेजेंटेशन हम किस तरीके से करेंगे, हम इसे मैथमेटिकली किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे. नाउ हमने ये स्पेसिफाई कर दिया है कि हमारा टारगेट फंक्शन क्या है. अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब हम अपने सिस्टम को टारगेट फंक्शन को लर्न कराते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम जो भी उसको लर्न करा रहे हैं वो एग्जैक्टली टारगेट फंक्शन को अचीव करेगा. हो सकता है वो उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को अचीव कर पाए. तो ये जो प्रोसेस होता है लर्निंग का, टारगेट फंक्शन को लर्न करने का, जिसमें कि वो उसको एग्जैक्टली अचीव नहीं कर पाता पर उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू अचीव कर पाता है, तो उसे हम कहते हैं फंक्शन अप्रॉक्सीमेशन. नाउ अब हमें इस तरीके से एक फंक्शन डिज़ाइन करना है जो कि उस टारगेट फंक्शन को लर्न कर पाए, जो उस टारगेट फंक्शन को अप्रॉक्सीमेटली कैलकुलेट कर पाए. तो रिप्रेजेंटेशन के लिए हम एक लीनियर फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, हम पॉलिनोमियल फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क यूज़ कर सकते हैं. इट डिपेंड्स कि हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, हमारी जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट क्या है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जब भी हमें फंक्शन को सेलेक्ट करना चाहिए तो हमें ये देखना चाहिए कि उसका रिप्रेजेंटेशन जो है वो एक्सप्रेसिव हो. बट इसके साथ एक पॉइंट जो हमें दिमाग में रखना चाहिए वो ये है कि अगर आप कोई फंक्शन एक्सप्रेसिव यूज़ कर रहे हो तो जितने एक्सप्रेसिव फंक्शंस होते हैं उनको क्या करने के लिए, ट्रेन करने के लिए हमें ज़्यादा डेटा की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे कि हमें उसे प्रॉपरली ट्रेन कर पाएँ और वी आर गोइंग टू फाइंड आउट अ हाइपोथेसिस दैट फिट्स द डेटा. नाउ लेट्स टेक अ लुक इन अ डिटेल कि बेसिकली हमें टारगेट फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से करना है. सो फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर आता है कि अल्गोरिथम हमें चूज़ करनी है फंक्शन अप्रॉक्सीमेशन के लिए, ऐसी अल्गोरिथम जो कि हमारा जो टारगेट फंक्शन है उसको अप्रॉक्सीमेट करे, हमें वो अल्गोरिथम चूज़ करनी है. तो बेसिकली जब भी हमारा जो ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स होते हैं वो हमेशा इनपुट और आउटपुट के फॉर्म में होते हैं. सो इनपुट वैल्यू एंड टारगेट वैल्यू इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, यू कैन सी इन द नोट्स. तो ट्रेनिंग वैल्यूज़ हम तब कैलकुलेट कर रहे हैं इन द केस व्हेन वी हैव अ इनडायरेक्ट ट्रेनिंग एक्सपीरियंस, जब हमारे पास इंटरमीडिएट स्टेट्स का नेक्स्ट स्टेट वैल्यू या फिर बेस्ट स्टेट वैल्यू नहीं है. इन दैट केस वी आर एस्टिमेटिंग द ट्रेनिंग वैल्यूज़. सो यू कैन सी इन द नोट्स कि लेट्स सपोज हमारे पास चेकर्स गेम का एग्जाम्पल है एंड वी हैव नंबर ऑफ स्टेट्स, बोर्ड स्टेट्स. तो हर एक बोर्ड स्टेट्स के लिए नंबर ऑफ लीगल मूव्स होंगे एंड दैट आउट ऑफ दैट लीगल मूव्स वी हैव टू सेलेक्ट सिंगल बेस्ट मूव. सो वी नीड अ एल्गोरिथम दैट विल अप्रॉक्सीमेट दैट वैल्यू, उस पर्टिकुलर लीगल मूव में से एक बेस्ट मूव को कैलकुलेट करने के लिए वी नीड अल्गोरिथम, और उस अल्गोरिथम को हम फंक्शन अप्रॉक्सीमेशन अल्गोरिथम कहते हैं. नाउ डिपेंडिंग अपॉन आर रिक्वायरमेंट हम फंक्शन अप्रॉक्सीमेशन अल्गोरिथम जो है उसको सेलेक्ट करते हैं. नाउ ट्रेनिंग वैल्यूज़ को एस्टिमेट करने के लिए हमारे पास एक रूल है. सो हेयर आई मैंशनड इन द नोट्स द रूल फॉर एस्टिमेटिंग द ट्रेनिंग वैल्यू. यू कैन सी ओवर हेयर वी ट्रेन बी इज इक्वल्स टू वी कैप सक्सेसर ऑफ बी. वॉट इज़ दिस वी कैप? वी इज़ द टारगेट फंक्शन, जो भी हमारा टारगेट फंक्शन होगा. एंड हेयर वी ट्रेन इज़ द ट्रेनिंग वैल्यू ऑफ बी एंड वी कैप इज़ द लर्नड फंक्शन, जो सिस्टम का लर्निंग फंक्शन है, जिस फंक्शन से सिस्टम लर्न कर रहा है अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू, दैट वी कॉल इट एज अ वी कैप. सो सक्सेसर बी, जो सक्सेसर स्टेट है, जो नेक्स्ट बेस्ट स्टेट है, उसका जो लर्नड वैल्यू होगा, उसका जो लर्न आउटपुट होगा, लर्न फंक्शन से जो आउटपुट होगा वो वैल्यू असाइन की जाएगी हमारी ट्रेनिंग वैल्यू ऑफ बी को. नाउ नेक्स्ट इज टू एडजस्ट द वेट्स. हमने ट्रेनिंग वैल्यूज़ जो हैं वो कैलकुलेट कर ली हैं और साथ में हमने लर्न वैल्यूज़ भी कैलकुलेट कर ली हैं. अब हमें वेट्स को एडजस्ट करना है. हर एक ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं, उसके रिस्पेक्ट में उसके आउटपुट हमारे पास हैं. अब हमें ये चेक करना है
कि हमारे जो हाइपोथेसिस हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो बेस्ट फिट होनी चाहिए सभी ट्रेनिंग एग्जांपल्स पर. ओके, टू फाइंड आउट द बेस्ट फिट हाइपोथेसिस का मतलब ये है कि वो हाइपोथेसिस में एरर एकदम मिनिमम हो. जो स्क्वायर एरर है वो हम जितना मिनिमम से मिनिमम वैल्यू होगी उतना ही हम उस हाइपोथेसिस को प्रेफर करेंगे. सो यू कैन सी ओवर हियर I have mentioned in the notes E equals to summation of V train B means training value of B minus learned value of B. तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो जितना मिनिमम होगा उतना ही हमारा हाइपोथेसिस बेस्ट फिट होगा. अब इन दोनों वैल्यू को मिनिमाइज करने के लिए वी हैव टू एडजस्ट द वेट्स. वेट एडजस्ट करने के लिए वी नीड अ अल्गोरिथम. एक एग्जाम्पल जो मैंने यूज़ किया है यहाँ पर वो है लीस्ट मीन स्क्वायर रूल. नाउ लीस्ट मीन स्क्वायर रूल में हमारे पास क्या होता है, हर एक ट्रेनिंग एग्जाम्पल के लिए यू कैन सी ओवर हियर मैंने एक अल्गोरिथम लिखा हुआ है यहाँ पर. हर एक ट्रेनिंग एग्जाम्पल के लिए हमारे पास किस फॉर्म में होता है, बी और वी ट्रेन बी. अब हम क्या करेंगे, एरर चेक करेंगे. अगर एरर ज़ीरो है तो इसका मतलब यू कैन सी ओवर हियर, अगर एरर ज़ीरो है तो इसका मतलब वेट्स को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. और अगर एरर पॉजिटिव है इसका मतलब हमें वेट्स को चेंज करना पड़ेगा सो दैट जो फाइनल वैल्यू है हमारी जो फाइनल वैल्यू आएगी वो अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू हो, क्लोज अप्रॉक्सीमेशन हो हमारे टारगेट वैल्यू का. तो इन दैट केस वेट को अपडेट करने के लिए यू कैन सी ओवर हियर हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, डब्ल्यू आई जो करंट वेट है प्लस ईटा, ईटा एक स्मॉल कांस्टेंट होता है, एंड देन वी ट्रेन बी माइनस वी कैप बी. ओके, इनटू एक्स आई. एक्स आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स आई इज़ द फीचर, जो भी फीचर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है. अब वेट किस हिसाब से चेंज करेंगे, अगर फीचर हायर प्रायोरिटी का है तो वेट में मतलब वेट का जो इंक्रीमेंट होगा वो ज़्यादा प्रोपोर्शन में होगा, और अगर जो फीचर हम यूज़ करेंगे वो कम प्रायोरिटी का है तो जो वेट में इंक्रीमेंट होगा उसका प्रोपोर्शन कम होगा. इस वे से वेट अपडेट रूल अप्लाई करेंगे. नाउ सी ओवर हियर द समरी. से पहले हमने बात की थी फर्स्ट पॉइंट की, टू डिटरमाइन और टू चूज़ द टाइप ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, कि लर्निंग एक्सपीरियंस कैसा होना चाहिए, डायरेक्ट होना चाहिए, इनडायरेक्ट होना चाहिए. देन वी चेक कि हमारे पास जो डेटा होना चाहिए वो सुपरवाइज फॉर्म में होना चाहिए, अनसुपरवाइज फॉर्म में होना चाहिए. एंड लास्टली वी फोकस्ड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा सेट. सेकेंडली वी फोकस्ड ऑन द टारगेट फंक्शन. सो यहाँ पर ये टारगेट फंक्शन दिया हुआ है, ये एग्जाम्पल, ये जो आपको पूरा एक समराइज करके एक डिज़ाइन दिया हुआ है ये चेकर्स गेम के बेसिस पर है. तो डिटरमाइन करना फंक्शन को कि किस टाइप का फंक्शन हम यूज़ करेंगे, क्या वो इवैल्यूएशन फंक्शन होगा या फिर एक स्टेट से वो दूसरे स्टेट को मेंशन करेगा. देन फंक्शन हमने डिसाइड कर लिया तो नेक्स्ट हम डिसाइड करेंगे इस फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जाने का मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होगा उसे हम डिसाइड करेंगे. अब उसके लिए हम कोई भी पैटर्न यूज़ करते हैं, कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आर रिक्वायरमेंट्स. पॉलिनोमियल हो सकता है, लीनियर फंक्शन हो सकता है, न्यूरल नेटवर्क हो सकता है, कोई भी आप फंक्शन यूज़ कर सकते हैं. देन रिप्रेजेंटेशन फंक्शन डिटरमाइन करने के बाद हमें ये चेक करना है कि कौन सी लर्निंग एल्गोरिथम हम यूज़ करें या वेट को एडजस्ट करने के लिए कौन सा एल्गोरिथम यूज़ करें. सो वी हैव नंबर ऑफ एल्गोरिथम. सो दीज आर द स्टेप्स जो कि एक कंप्लीट डिज़ाइन को बताएगा कि किस तरीके से हमें एक लर्निंग सिस्टम डिज़ाइन करना है. अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ कीप ऑन कमेंटिंग सो दैट इट विल मोटिवेट मी टू मेक मोर एंड मोर वीडियो. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.